सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 11th की पोएट्री नंबर 3, द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि प्यार से कोमलता से गिरती हुई बरसात की मधुर ध्वनि जो है उसके बारे में ये कविता होने वाली है। और इस कविता के रचयिता है अमेरिका के सुप्रसिद्ध कवि जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन जो है वे अमेरिका के प्रसिद्ध कवियों में से एक है, और मुक्तक छंद जो है यानी कि फ्री स्टाइल के अंदर वर्स राइटिंग जो होती है, कविता को लिखना जो होता है, उसके जनक माने जाते हैं। और अमेरिका के जितने भी सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं उनमें इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, एक निबंधकार के रूप में और एक कवि के रूप में। तो गाइस, ये जो कविता है द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पर बेसिकली हम देखते हैं कि कवि जो है वह बैठा है और उसके सामने प्यारी प्यारी धीमी धीमी बरसात हो रही है, शावर आ रहा है, फुहार आ रही है, बौछार आ रही है। और इस फुहार या इस बौछार से वे बात करना शुरू कर देते हैं। और इनकी बातें क्या होती है, किस प्रकार से ये एक बरसात का परिचय पूछते हैं, उस वर्षा से पूछते हैं कि तुम कौन हो, और इसका जवाब वह वर्षा क्या देती है, इसी बारे में आज की ये कविता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस कविता में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो इस ये कविता मूलतः है 4 भागों में बटी हुई है, इसमें 4 स्टेंजाज हैं जिन्हें हम हिंदी में पद्यांश भी कह सकते हैं। तो कुल 4 पद्यांश यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। पहला पद्यांश जो है वहाँ पर कवि जो है सबसे पहले शुरुआत करता है एंड व्हाट आर दो कह करके यहाँ पर हमारी कविता प्रारंभ होती है। अब अंग्रेजी जानने वाले बच्चे कहते हैं सर ये आर्ट दो ये क्या आ गया, तो बेटा इसका कोई मतलब नहीं है, इसका केवल इतना मतलब है तुम क्या हो। जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट आर यू, उसी तरीके से इस वाक्य को कहा गया है व्हाट आर्ट दो। तो जब हमारा कवि ये प्रश्न पूछता है उस धीमे से गिरती हुई फुहार से और बहुत ही स्ट्रेंज और अलग आवाज में अलग तरीके से वो वर्षा जो है वह बरसात जो है उन्हें जवाब देती है। और यहाँ पर हमारे कवि कहते हैं कि जो भी उस वर्षा ने उस बरसात ने मुझे बताया मैं उसका ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, यानी कि मैं अनुवाद करके आपको बताने वाला हूँ कि उस वर्षा ने मुझसे क्या कहा। और जब यहाँ पर वो बरसात उन्हें जवाब देती है उसमें सबसे पहला वाक्य, सबसे खूबसूरत वाक्य क्या कहती है, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, यानी कि मैं इस पृथ्वी की, मैं इस धरती की कविता हूँ। इस तरह से वह अपना जवाब देना शुरू करती है और आगे कहती है कि भाई मैं इस जमीन से उठती हूँ, या फिर जो अनंत गहराई वाला समुद्र है वहाँ से उठती हूँ और ऊपर जो स्वर्ग है उसकी ओर जाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जल चक्र जो है, वाटर साइकिल जो है, उसके बारे में बात की जा रही है कि वह कहती है कि मैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया से भाप बनकर ऊपर उठती हूँ और बादल बन जाती हूँ। और वहाँ कहती है कि भाई मेरा स्वरूप वहाँ पर बदल जाता है, मेरा रूप वहाँ से पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जब मैं ज़मीन पर थी या जब मैं समुद्र में थी तो बिल्कुल तरल पानी के रूप में थी, लेकिन जब वाष्पीकरण हुआ तो मैंने भाप का रूप या वाष्प का रूप धारण कर लिया। इस तरह से मेरा स्वरूप तो बदल गया लेकिन मैं वही रहती हूँ, हमेशा वैसी ही रहूँगी, कभी भी बदलूँगी नहीं। ऐसा वो हमें हमारे सेकंड स्टेंजा के अंदर बताती है कि कैसे वह समुद्र में या ज़मीन पर रहती है और बाद में वाष्पीकरण से ऊपर हवा में बादल की तरह बन जाती है और जल चक्र को पूर्ण करती है, वाटर साइकिल को कंप्लीट करती है। थर्ड स्टेंजा में हमारी जो वर्षा है, हमारी जो रेन है, वो हमसे क्या कहती है, तो वर्षा कहती है कि मैं ऊपर से आसमान से हेवन की तरफ से नीचे ज़मीन पर गिरती हूँ और जो भी धूल के छोटे छोटे कण हैं उन्हें धो देती हूँ, उन्हें साफ कर देती हूँ, यानी कि वो पृथ्वी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए आती है। साथ ही साथ वो कहती है कि अगर मैं ऊपर से नीचे नहीं आती, अगर मैं हेवन से बरसात के रूप में नीचे नहीं बरसती, तो जो छोटे छोटे बीज हैं वे बीज ही रह जाते, उनमें प्राणों का संचरण कभी भी नहीं हो सकता था, उनमें प्राण कभी नहीं आते। जैसे कि भाई किसान है, वो छोटे छोटे बीज जो है अपनी फसल के डालता है, अगर बरसात नहीं होगी तो क्या होगा, वो बीज जो है वो बीज ही रह जाएंगे,
उनमें से कभी भी फसल निकल ही नहीं पाएगी। तो दो यहां अपने आने के मुख्य कारण बताती है कि पृथ्वी को, पूरी जमीन को, धरती को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए मैं आती हूं। साथ ही साथ जो छोटे छोटे बीज हैं, जो प्राणों को प्राप्त करने के लिए या नए जीवन को प्राप्त करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको भी नवजीवन प्रदान करती हूं। इन दो कामों के लिए मैं जमीन पर आती हूं। थर्ड स्टेंजा में हमें यह बताया जाता है। देखिए फोर्थ स्टेंजा में क्या देखने को मिलता है। तो गाइस फोर्थ स्टेंजा हमारा यहां पर यह बताता है कि इसके बाद हमारी जो बरसात है वो कहती है कि जैसे प्रेम पूर्वक मैं आई, मैंने अपना काम पूरा किया, अपना काम पूर्ण करके सब प्रेम मैं अपने स्रोतों को वापस लौट जाती हूँ। यानी कि लैंड पर, जमीन पर जो गड्ढे बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं, बावड़ी बनी हुई है, कुएं बने हुए हैं, या फिर समुद्र जो है, वहाँ पर वापस लौट जाती हूँ सब प्रेम, प्रेम पूर्वक ही, और वापस से मैं अपने जल चक्र को प्रारंभ कर देती हूँ, वाटर साइकिल को वापस से स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस प्रकार की ये जो बातचीत हुई है हमारे कवि के बीच में और बरसात के बीच में, कि कवि यहाँ बरसात से उसका परिचय पूछता है कि तुम कौन हो, और बरसात बताती है कि मैं भैया यहीं पर, जो आपको आसपास दिखाई देता है ना समुद्र और ज़मीन पर पड़ा हुआ पानी, मैं वही हूँ, और मैं ऊपर उठती हूँ, हेवन की ओर जाती हूँ, और वहाँ से वापस बरसती हूँ, बरस करके जमीन को, धरती को, पृथ्वी को साफ सुथरा करती हूँ, स्वच्छ बनाती हूँ, निर्मल बनाती हूँ, पवित्र बनाती हूँ, नए जो बीज हैं उन्हें प्रस्फुरित होने का मौका देती हूँ, और उसके बाद में वापस अपने अंतिम गंतव्य को, यानी वापस उन्हीं जल के स्रोतों को वापस लौट जाती हूँ। इस प्रकार यहाँ पर जो कविता है वो हमारी समाप्त होती है। इस कविता में हमें मूलतः ये जानकारी मिलती है कि कैसे मदर अर्थ के लिए रेन जो है बार बार आती है और जाती है, और उसे स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बनाती है, और साथ ही साथ कवि के, यानी कि हम सब मनुष्य जो है उनके मन को भी आनंदित करती है। तो गाइस यह छोटी सी पोएट्री का हमारा डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। अगर आप हमारे आगे के वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें हम सेंट्रल आइडिया भी डिस्कस करते हैं, हम लोग समरी भी डिस्कस करते हैं, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पोएट्री देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ में, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और इसके लिटरेरी डिवाइस जो क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज का लेक्चर अच्छे से इंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।